हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लॉगरिथम है वो कैसे करते हैं वो हमें देखना है। सो वी नो द बेसिक आइडिया अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज़ द सिंपल फॉर्म जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ओके, दिस फॉर्म इज नोन एज अ कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ वी नो ऑल्सो पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सी हियर, आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, सो दैट इज़ द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। गेटिंग, सो बिफोर दैट वी हैव टू नो अबाउट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सी हियर, so that is the standard form of a complex number, is the polar form. That's we already proved this equation. Now today we have to know first of all what is the exponential form of a complex number before starting the logarithmic of a complex number topic. Okay, so ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये हो गया पोलर फॉर्म, ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम लिख सकते हैं जेड इक्वल टू आर ई रेस टू आई थीटा। ओके, सो वो कहाँ से आता है, तो एक्चुअली कहाँ से आएगा, देखो ये जो है ये आर वो एज इट इज़ लिखा है, लेकिन ये जो है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जो है ब्रैकेट में, उनकी जगह पे ये क्या लिखा है, ई रेस टू आई थीटा। सो एक्चुअली यहाँ पे क्या यूज़ किया है, यूलर्स फार्मूला। ओके, सो हम देखेंगे, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ई रेस टू आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सो पोलर फॉर्म वैसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है तो हम डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। गेटिंग, उससे पहले हमने वो भी देखा था कि ये जो आर है रेडियस, या तो मॉड्यूलस कैसे फाइंड करते हैं, ये स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैसे फाइंड करते हैं, मीन्स थीटा, तो वो भी लिखा था हमने यहाँ पे टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। सो आज हम पहले देखेंगे कि ये जो यूलर्स फार्मूला है ई रेस टू आई थीटा इक्वल टू ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कैसे आता है, वो हम देखेंगे। इतना ज़रूरी है नहीं, इम्पोर्टेंस आपको ये ही याद रखना है, लेकिन हम कहाँ से आता है वो हमें सिर्फ पता होना चाहिए, तो थोड़ी बहुत आइडिया हमें होनी चाहिए। तो पहले हम वो देखेंगे, बाद में हम लॉगरिथमिक जो फंक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हम देखेंगे। तो देखो ये क्या है, ई रेस टू एक्स का टेलर सीरीज एक्सपेंशन है। ओके, सो वी नो अबाउट द टेलर सीरीज एक्सपेंशन। सो ई रेस टू एक्स का एक्सपेंशन कैसे लिख सकते हैं हम, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स फोर बाई फोर फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, वो आता जाएगा राइट। अब यहाँ पे है क्या, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सिर्फ ई रेस टू एक्स के लिए है, हमें एक्चुअली क्या है ई रेस टू आई थीटा है ना, यहाँ पे थीटा की जगह पे एक्स है ऐसा कंसिडर कर दे रहा। सो हम क्या करते हैं, देखो एक्स के साथ आई मल्टीप्लाई करते, देखो यहाँ पे लिखा है आई रखा है, तो जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे हम आई कर देंगे साथ में, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे आई एक्स। ये आई क्या लिखा है, आई मीन्स इमेजनरी आयोटा है, आयोटा। सो ये है एक्स, उसकी जगह पे आई एक्स प्लस, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लिखा आई एक्स स्क्वायर, बाकी पूरा जो है एक्सपेंशन इक्वेशन वो सेम ही है सीरीज। यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या लिखा आई एक्स एक्स क्यूब, यहाँ पे भी चेंज किया है यहाँ पे भी राइट। सो एक्स की जगह पे हमने क्या किया आई एक्स, आई को पुट किया राइट। यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे तो आई एक्स ही है तो कुछ नहीं कर सकते, देखिए यहाँ पे क्या होगा आई एक्स होल स्क्वायर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। सो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या है वो हमें पता है, माइनस वन, तो
आई स्क्वायर की वैल्यू हम रख देंगे माइनस वन, तो यहाँ पे आगे प्लस है तो वो क्या हो जाएगा माइनस, तो देखो ये आ गया आई स्क्वायर की जगह पे माइनस वन रखा तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टर आ गया। सेम यहाँ पे आया एक्स क्यूब, आई एक्स होल क्यूब है ना, तो क्या आएगा आई क्यूब आएगा ना, तो क्या करेंगे हम आई स्क्वायर इंटू आई करेंगे, तो आई स्क्वायर की जगह पे माइनस करेंगे तो ये प्लस भी माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये एक आई रिमेनिंग रहेगा, तो क्या लिखेंगे हम आई एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल। सेम यहाँ पे क्या होगा आई रेस टू फोर इंटू एक्स रेस टू फोर लिख सकते हैं, तो आई रेस टू फोर इक्वल टू क्या हो जाता है वन हो जाता है, तो यहाँ पे एज इट इज़ प्लस रहेगा। तो ऐसा करके हम सभी जो आई स्क्वायर है आई रेस टू फोर है उसकी वैल्यू हम एंटर करते जाएंगे, तो फाइनली हमें इस टाइप का जो है सीरीज़ वो मिलेगी। अब हम क्या करते हैं कि दो ग्रुप में सेपरेट करते हैं ये पूरी सीरीज़ को। नॉर्मली हम करते ही है जो रियल पार्ट है उनको इकट्ठा लिखते हैं एक साथ, ओके, एंड सिंपली जस्ट अरेंज द इमेजनरी पार्ट टुगेदर। इमेजनरी पार्ट मीन्स आई वाली जो टर्म होती है वो। सो यहाँ पे देखो ये वन है, बाकी कहाँ पे आई नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, देखो तो उनको एक साथ लिख दिया, वो आगे भी ये आएगा प्लस आई, तो यहाँ पे प्लस लिखा है आई। अब ये आई वाली टर्म है सभी में से आई को कॉमन निकाला, जो रिमेनिंग टर्म बाकी रही देखो यहाँ से एक्स बाकी रहा, यहाँ पे आई निकल गया तो क्या रहेगा माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या होगा प्लस एक्स रेस टू फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल। तो ये जो रिमेनिंग टर्म बाकी रही है वही हमें लिखनी है। अब ध्यान से देखो ये जो है वो क्या है और ये जो ब्रैकेट में है, ये दोनों ब्रैकेट में जो है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सी ये वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू फोर बाई फोर फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 आगे सीरीज आएगी, वो कौन सी सीरीज है किसकी है, ये कॉस एक्स की। और ये जो है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल वो किसकी है, साइन एक्स की। सो ये सेम देखो हमारी सीरीज आई, तो ये क्या है हमारा कॉस है, तो हम लिख सकते हैं कॉस एक्स, ये बीच में क्या है प्लस आई और ब्रैकेट में है जो वो क्या है साइन एक्स है, वो किसकी जगह पे आया ई रेस टू आई एक्स की जगह पे, राइट। सो यहाँ पे है देखो ई रेस टू आई एक्स इक्वल टू क्या है कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। सो हमारा जो एग्जांपल लेते हैं उसमें हम ज़्यादातर क्या आता है थीटा आता है, सो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या आएगा थीटा, दैट इज़ द एंगल इन रेडियन, राइट। सो ये बात हुई यूलर्स फार्मूला की। सो हमें एग्जैक्टली ये पता चला कि जहाँ पे ये कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स होता है तो वहाँ पे हम ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये लिख सकते हैं, गेटिंग। सो यहाँ पे मैंने बताया है देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये पोलार फॉर्म, अब उनके ऊपर से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लिख सकते हैं कैसे, ये आर को एज इट इज़ रखा है और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की जगह पे क्या रखा है ई रेस टू आई थीटा, ओके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है यूलर्स फार्मूला यूज़ करके। सो अब हम हमारा जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं, लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक वन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस वन इज द इमेजनरी पार्ट। सो नाउ write this standard form या तो cartesian form into the polar form। so x equal to हम क्या लिख सकते हैं, x equal to ये हमें पता है r cos theta and y equal to r sin theta, right। तो यहाँ पर enter कर देते हैं value, तो दोनों में r common आएगा, तो actual में हम कैसे लिखेंगे final polar form, r bracket में क्या आएगा cos theta plus i sin theta, getting। यहाँ पे लिखा भी है देखो x इक्वल टू क्या है r cos थीटा एंड y इक्वल टू क्या आएगा r मल्टीप्लाई होगा ना r sin थीटा। सो यहाँ पे ये जो रेडियस है r वो फाइंड करेंगे कैसे, तो ये क्वेश्चन है ऑलरेडी हमने ये देखा ही है स्टार्टिंग में, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड जो एंगल है थीटा वो कैसा आएगा, ये tan इनवर्स y बाई x, ओके। तो
ऐसे हमने ये आर एन थीटा का इक्वेशन लिख दिया, ये हमने ऑलरेडी देखा ही है। सो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये जेड इक्वल टू ये पोलर फॉर्म लिखा है, उसमें क्या किया है, अब देखो ये आर तो एज इट इज़ लिखा है, अब क्या करेंगे ये कॉस थीटा की जगह पे ये लिखा है कॉस ऑफ टू एन पाई प्लस थीटा, ओके एन आई प्लस आई साइन थीटा, तो साइन तो लिखा है, थीटा की जगह पे क्या लिखा है देखो ये ब्रैकेट में टू एन पाई प्लस थीटा। अब वो कैसे लिखा है, ये थीटा की जगह पे क्या रखा है टू एन पाई प्लस थीटा दोनों में, ओके क्यों, क्योंकि ये जो कॉस एंड साइन है वो क्या है पीरियोडिक फंक्शन है। सो हम थीटा की जगह पे ये हम लिख सकते हैं टू एन पाई प्लस थीटा, ये जो एन है वो एक इंटीजर है, राइट गेटिंग। सो हम ये पीरियोडिक फॉर्म है इसीलिए हमने ये लिख सकते हैं। अब इनको ही हम क्या करते हैं यूलर्स फार्मूला यूज़ करते हैं, देखो यहाँ पे या तो हम बोल सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये आर तो एज इट इज़ लिखा है, सो ये जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो तो हम क्या लिख सकते हैं ई रेस टू आई थीटा लिख सकते हैं। सो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है वो लिख दो टू एन पाई प्लस थीटा, ओके सो यहाँ पे वही लिखा है ई रेस टू आई थीटा, तो ये आई है और थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पे टू एन पाई प्लस थीटा है, तो टू एन पाई प्लस थीटा लिख दिया। अब क्या करते हैं दोनों साइड पे लॉग ले लेते हैं, यहाँ पे ये किसका इक्वेशन आया है जेड का, सो हम दोनों साइड पे लॉग लेंगे ये, तो यहाँ पे भी लॉग लिया तो ये लेफ्ट साइड पे ये लॉग जेड लिखेंगे हम। अब राइट साइड पे लॉग लेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये आर है और ये ई रेस टू वाली जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ये दोनों के बीच में क्या है अभी मल्टीप्लिकेशन है, राइट सो राइट साइड हम लॉग लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या होता है इस तरह से लिख सकते हैं एडिशन में, तो ये पहली जो टर्म है आर उसको हम देंगे लॉग आर, बीच में क्या होगा मल्टीप्लिकेशन है इसीलिए ये प्लस आएगा, और दूसरी टर्म है उसका लॉग, तो लॉग ये एक्सपोनेंशियल टर्म है ई रेस टू टू एन पाई प्लस थीटा आई, ओके सो ये सिंपल सी बात है, दोनों साइड पे हमने क्या ले लिया लॉग ले लिया। अब यहाँ पे क्या किया देखो जेड की जगह पे जो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिखा है एक्स प्लस आई वाई, तो जेड की जगह पे एक्स प्लस आई वाई लिख दो, और यहाँ पे जो है ये लॉग आर है और यहाँ पे क्या होगा ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और लॉग में है, तो आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पे बेस ई ही हम कंसीडर करते हैं, देखो यहाँ पे भी यहाँ पे, तो आंसर हमारा क्या आएगा एक्चुअली ये आएगा टू एन पाई प्लस थीटा आई, ओके ये लॉग और ई रेस टू वाली टर्म है इसीलिए। सो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आया, ओके सो इट इज़ नोन एज अ जनरल लॉगरिदम ऑफ अ एक्स प्लस आई वाई एंड इज़ डिनोटेड बाय लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई। सो ये हमारा एक्स प्लस आई वाई क्या है एक्चुअली हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो एक्स प्लस आई वाई के टर्म में आपको कोई भी एग्जांपल दे तो हमें क्या करना है ये जो इक्वेशन आया है उसमें ये आर रखना है और यहाँ पे क्या रखना है थीटा रखना है बस, तो वो हमारा क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथमिक हो जाएगा लेकिन, ओके सो यहाँ पे लिखा है लॉग एक्स प्लस आई वाई ये लॉग आर, तो आर की जगह पे क्या लिखा है देखो यहाँ पे ये आर है ना स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई, तो ये प्लस आई लिखा है ब्रैकेट में क्या है टू एन पाई प्लस थीटा की जगह पे क्या लिखा है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। सो ये इक्वेशन हमें ये याद रखना है, एग्जांपल में भी बहुत सारे एग्जांपल में ये यूज़फुल होगा। सो अब हम सिंपल से एक एग्जांपल देखते हैं, ऐसे ही है पूछा भी नहीं गया है, देखो यहाँ पे एक है इफ़ वी पुट एन इक्वल टू जीरो देन इट इज़ नोन एज अ प्रिंसिपल लॉगरिथम, ओके सो ये बात याद रखनी है कि जो हमने इक्वेशन अभी डिराइव किया है उसमें जब हम n की वैल्यू जीरो रखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम प्रिंसिपल लॉगरिथम ऑफ जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है वो x प्लस आई वाई का हमने किया है, तो हम क्या करते हैं जो इक्वेशन हमारा आया है वहाँ पे n इक्वल टू क्या रख देते हैं जीरो रख देते हैं, देखो तो ये तो सेम ही रहेगा यहाँ पे कहीं पे भी n है ही नहीं, सो यहाँ पे है टू एन पाई में तो n जीरो रखेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी,
सो ओनली बचेगा क्या, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो देखो ये है 2n पाई वाली टर्म जीरो हो गई, तो बाकी की लिख दी। सो ये हमारा एक्चुअली क्या हो गया, प्रिंसिपल लॉगरिथम। सो एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि भाई डिराइव द इक्वेशन ऑफ द प्रिंसिपल लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन वो तो हमें करना ही है, यहाँ तक तो करना ही है ये इक्वेशन तो, राइट। और उसमें हमें क्या करना है, n इक्वल टू जीरो रख देना है बस। तो ये इक्वेशन आएगा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल लॉगरिथम ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब छोटा सा एग्जाम्पल है देखो कि लॉग किसका लेना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 1+i का, ओके। ये 1+i का लॉगरिथम दिया है, तो यहाँ से हम कैसे करेंगे कि ये x प्लस आई वाई के साथ कंपेयर करेंगे पहले तो इनके साथ। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, ओके। ये i के साथ जो होगा वो क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 और आगे माइनस है तो -1। सो r क्या होगा, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर मतलब 1+1, तो आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट 2 आएगा। तो यहाँ पे रख दिया ना बस, तो क्या आएगा, लॉग स्क्वायर रूट 2। अब नेक्स्ट ये है i tan इनवर्स y बाई x, तो y की वैल्यू रखो -1 बाई टेन इनवर्स y बाई एक्स, तो -1/1, तो टेन इनवर्स -1 होगा। सो माइनस बाहर आएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा, तो टेन इनवर्स 1 रहेगा, तो टेन इनवर्स 1 का आंसर क्या आता है, π/4। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस है इसीलिए, ओके। टेन है तो बाहर आता है क्योंकि, और ये i, और टेन इनवर्स 1 का आंसर क्या हो जाएगा, π/4। तो ये बहुत ईजी है एक्चुअली लॉगरिथम वाला पोर्सन। सो आपको अच्छी तरह से करना है, शायद 2 या 3 मार्क में कोई एग्जांपल आ सकता है GTU एग्ज़ाम में। और सिंपल ही है, आपको डायरेक्ट इक्वेशन याद नहीं रखना है, आपको 1/1 स्टेप में मैंने समझाया वैसे ही कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म है ये है, उसका ये पोलर फॉर्म है, उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है, उसका जो ये आर कैसे फाइंड करते हैं, थीटा कैसे फाइंड करते हैं, वो हमें पता ही है। बस हमें उसके अंदर एक दोनों साइड पर लॉग लिया है, बस वही किया है, बाकी का अंदर वैल्यू डाली है, ठीक। सो ये बहुत इजी टॉपिक है, तो आपको अच्छी तरह से करना है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन 2 या 3 मार्क में एग्जांपल आ सकता है। सो नेक्स्ट टाइम हम ये लॉगरिथम के बेस पे ही हम 2-3 और एग्जांपल देखेंगे। आज तो हमने बस ये इक्वेशन देखा है और छोटा सा एग्जांपल देखा है, जो GTU एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो एग्ज़ाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।